नंबर की बात। ये देखो भाई, ये देखो इधर से दूसरा दस नंबरी करके आया, भरखर हक के आया है, मतलब बोल सकते हैं पोटी करके आया है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते एवरीवन। तो आरबी ब्लॉग में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। तो आज मैं मोबाइल पर ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह उधर इधर ये नदी पर आया हूँ। बहुत मतलब दस साल के बाद आया हूँ इधर। मैं थोड़ा सा दस नंबरी करने तो मज़ा आ गया भाई, थोड़ा सा पेट खाली हो गया। ये यहाँ का सब लोग, जितना भी ये हराम खोर लोग है ना, ये सारे के सारे बंदे इधर यहाँ दस नंबरी का काम करने आए हैं। सबसे तो इसका देख सकते हैं, ये दस नंबरी करेगा, बीस नंबरी करेगा। जान देख के पता लग रहा होगा कि इसका बीस नंबर होगा। तो थोड़ा सा अभी खाली खालीपन हो रहा है पेट में, तो अच्छा लग रहा है। और उधर सुसु कर रहा है तो मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि रेस्ट्रिक्ट लगा हुआ है। तो गाइज, अभी मैं मोबाइल में ब्लॉग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी में मतलब समस्या आ रहा, दिक्कत आ रहा है होगा। और क्या बोल सकते हैं भाई लोग, यहाँ पर थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं आज बहुत ही जल्दी उठा हूँ, और मतलब सोया ही नहीं हुआ आज, क्योंकि हम लोग दूसरा काम कर रहे थे, मतलब इम्पोर्टेंट काम कर रहे थे, इसलिए नहीं सो पाया। तो भाई लोग यहाँ पर देख सकते हो, अभी सुबह के बोल सकते हैं, अभी सुबह के 6 बज रहा है। मैं कभी भी सुबह को 6 बजे नहीं उठता, क्योंकि मैं सुबह को 8:30 बजे उठता हूँ या 9 बजे उठता हूँ। और डायरेक्ट उठकर सुख धोकर और क्या बोलते हैं, दांत वात माँज कर, खाना वाना खाकर डायरेक्ट ऑफिस चला जाता हूँ। लेकिन आज मैं 6 बजे उठा हूँ, तो थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, 10 नंबर मेरा अच्छा सा नहीं हुआ, तो थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि मैं फिर से 10 नंबर करने जा सकता हूँ, क्योंकि अच्छा सा खाली नहीं हुआ है। और वो उधर वो क्या बोलते हैं, लोग भी आए था इंसान, वो देखो जा रहा है, वो 10 नंबर करने जा रहा है। बिल्कुल है वो, पीछे देखो, पीछे पीछे तू देखो। मैं आओ क्या अच्छा सा जगह दिख रहा है, 10 नंबर करने का जगह मजा से दिख रहा है, तो मतलब ढूंढ रहा है कहाँ पे अच्छा है, तो क्या ही बोल सकते हैं भाई लोग। और यहाँ पे और एक बंदा इधर किधर गया है 10 नंबर करने, और तू अपना काम जल्दी से निपटा ले, नहीं तो मैं रिवील कर दूंगा। तो भाई लोग, थोड़ा सा मेरे को सर्दी भी लगा है, क्योंकि अरे पाद दिया तूने, कहा पादना जरूरी है क्या। तो भाई लोग, यहाँ ब्लॉक के बीच में पाद दिया उसने, तो इग्नोर कर देना, आवाज आया होगा शायद से। और ये मेरा थोड़ा सा बाल देख लो भाई, आज मैं नहीं धोया हूँ, तो थोड़ा सा गलत दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है भाई लोग, आज हम 10 नंबरी मत अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि मैं 10 साल के बाद इधर आए गए भाई लोग। तो आज मेरे को ब्लॉग, सुबह सुबह का ब्लॉग बनाना था, तो मैं इधर आ गया, क्योंकि और बोल सकते हैं हम यहाँ पे 4-5 किलोमीटर इधर दूर आया हूँ, क्योंकि घर के नज़दीक 10 नंबरी करना, मतलब 10 नंबरी समझते हैं ना भाई लोग, 10 मिनट बोलते हैं और 10 नंबरी एक ही बात है। तो अभी इधर आया हूँ, इधर ये देख सकते हैं, इधर इसके इधर बीच में 10 नंबरी करते हैं हम लोग। तो ऑडियो क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा, क्योंकि मैं आज मोबाइल पे कर रहा हूँ, मोबाइल भी थोड़ा सा सस्ता है। और ये देखो, 10 नंबरी करके उधर से निकल गया एक बंदा, गजब बेइज्जती है। ए देखो, 10 नंबर की बात। ओ भाई, बंदे लोग कहाँ कहाँ से निकल रहा है, ये सुबह सुबह पता है ना, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लोटा वोटा लेकर नहीं निकलते, थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं रे, न्यू जनरेशन का है, तो लोटा वोटा लेकर नहीं निकलते हम लोग, डायरेक्ट ये क्या बोलते हैं, बाइक पर आते हैं और 10 नंबर करके
टाप चला जाता है भाई लोग। तो आज नॉन स्टॉप ब्लॉग करेंगे भाई लोग, थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा। और सुबह सुबह ब्लॉग करने में भी थोड़ा सा नेचुरल ब्यूटी दिख रहा है, तो मेरे को मतलब मेरे को अच्छा ही लग रहा है। तो ये देखो, ये 10 नंबरी का भाई साहब। ओ 10 नंबरी, हेलो, कहाँ चले? बोला कुछ नहीं, बोला गजब बेइज्जती है, फुल इग्नोर कर दिया भाई मेरे को। तो चलो भाई कोई बात नहीं, और ये तो मैं यूट्यूब पर ये डालूंगा भाई लोग, क्योंकि आज सारे बंदे लोग का मैंने पोल रिवील कर दिया, कौन कहाँ पे 10 नंबरी करता है, कौन कहाँ पे क्या करता है। तो आज फुल वीडियो पर 10 नंबरी का वो क्या बोलते हैं स्लोगन होने वाला है, खाली 10 नंबरी 10 नंबरी 10 नंबरी 10 नंबर 10 मिनट वो क्या बोलते हैं, तो वैसा ही होने वाला है भाई लोग। तो भाई लोग मेरे को फिर से लग गया था, तो मैं फिर से 10 नंबरी करके आ गया, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। और ये कैसा हो, क्यों हो रहा है, तो कल हम लोगों ने इसने पार्टी दिया था, तो इसका वो खसी का मांस होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खा लिया था, तो उससे पेट में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है भाई लोग। तो अभी तक मतलब अच्छा नहीं हो रहा, दो बार हो चुका है हम सबका, उसका भी दो बार हो चुका है, लेकिन फिर भी अच्छे से पेट खाली नहीं हुआ है भाई लोग। मेरा तो मतलब बानी है, मैं 9 बजे 10 नंबरी करता हूँ, टॉयलेट करता हूँ, तो मेरे को अभी थोड़ा सा पोटी नहीं निकल रहा है। लेकिन इन दोनों का पता नहीं, इन दोनों को शोधना पड़ेगा मतलब। अरे कहना क्या चाहते हो? पूछना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। तो ये बाइक मतलब इस बाइक में हम लोगों को ये 3 बाइक दिख रहा है, ये बाइक में हम लोग आए थे पोटी करने के लिए, मतलब 10 नंबरी करने के लिए। तो क्या ही बोल सकते हैं भाई लोग। तो भाई लोग यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, और ये बंदे लोग तो कुछ नहीं बोल रहा है। पहला भाई साहब क्या बोले, अबे कुछ तो बोल दो, पोटी करके कैसा फील हो रहा है बोल दो। मन में हल्का हो रहा है, दो बार जाके कैसा फील हो रहा है? अब लगा के 6 बार हो गया। 6 बार? और तेरे को कैसा फील हो रहा है, मतलब मजा आ रहा है, मजा आया पेट खाली होगा? उसको 10 बार से भी ऊपर ही नहीं, अरे जाके उधर से आगे निकला ही नहीं, सिर्फ गैस निकला उसके। अरे मतलब बोलते हैं ना वैसे ही निकला, और कुछ नहीं हुआ भाई लोग, कुछ नहीं। इसको फिर से जाना पड़ेगा, मेरे को पता है, मेरे को फिर से जाना पड़ेगा, इसको पड़ेगा भाई पड़ेगा, मैं गारंटी बोल सकता हूँ, क्योंकि ये हो चुका है। और ये हमारे पीछे वो जो देख सकते हैं, वो हमारा भेनाजू है, जीजा जी बोलते हैं। तो दातुल करते, अरे दातुल नहीं कर रहे हैं क्या? तो ये हमारा जीजा जी है, ये दातुल करते करते सुबह आ गया भाई साहब, क्या बोल सकते हैं आप। ये देखो इधर से दूसरा 10 नंबरी करके आ गया, भरखर हक के आया है, मतलब बोल सकते हैं पोटी करके आया है। हाँ तो भाई साहब, आपको पोटी करके कैसा फील हो रहा है, इसमें थोड़ा सा बता दीजिएगा। थोड़ा हल्का हो गया, मतलब हल्का महसूस हो रहा है? नहीं इसका मतलब इसको फिर जाना पड़ेगा, मेरे को मालूम पड़ चुका है, इसको जाना पड़ेगा फिर। 50 ग्राम 100 ग्राम बाकी होगा। तो भाई लोग अभी हम लोग जा रहे हैं उधर, यहाँ का सबका कार्यक्रम ख़त्म हो चुका है, तो थोड़ा सा ये मोबाइल में बना रहा हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा ही इधर उधर हिल रहा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई लोग। और ये वीडियो को थोड़ा सा मैंने फनी बनाने की कोशिश किया था, तो बनाया बना नहीं वो आप लोग डिसाइड कर सकते हो भाई लोग, तो थोड़ा सा मेरे को कमेंट पर बता देना, वो मतलब कुछ ज़्यादा ही बोल दिया मैंने वो 10 नंबरी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई लोग। तो अभी ऐसा सीन है, ये हमारा पीछे जो है, ये मेरा हमारा जीजा जी है, जिसको हमारे भाषे में भेनाजू बोलते हैं, तो यही है भाई लोग। और ये पीछे जो ये मतलब इसका मतलब
नेचर बैकग्राउंड है तो अरे भाई क्या मार कर जाओगे का? तो जो हमारा ये पीछे का बैकग्राउंड है, ये हमारे घर से कुछ 5-10 मिनट लगते हैं यहाँ पर आने को। तो सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पर वीडियो मस्त बना सकते हैं। मैंने एक्चुअली यहाँ मैं मतलब बोल सकते हैं 5-7 ईयर के बाद यहाँ पर आ रहा हूँ, क्योंकि इधर नहीं आया करते थे हम लोग। तो हम लोगों का थोड़ा सा मूड बना और हम लोग आ गए इधर। तो भाई लोग अभी सुबह के 6:30-7 बज चुका है, तो क्या ही बोल सकते हैं। अभी हम इधर निकल चुके हैं और हमारे इधर आगे हमारे सिस्टर जी है और एक भाई है। तो इधर अरे किधर जा रहे हैं? हम लोग साग टिपने जा रहे हैं। साग टिपने, टिपने को हिंदी पर क्या बोलते हैं? पता नहीं, तो चलो जाओ। तो भाई लोग अभी हम इधर आ चुके हैं, ये हमारा नदी है जो अभी थोड़ा थोड़ा बाढ़ आया हुआ है। तो फुल पावर गाइस, हम यहाँ पर अभी मस्ती करने वाले हैं। और थोड़ा सा ये क्या वो लाइन वाइन का चक्कर है, माछा वो क्या बोलते हैं, फिश विश मारेंगे। तो हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग उधर पानी में नहीं जाएंगे। और यहाँ पर जो जितना पानी ये जमा हुआ है, इसको निकाले वो क्या बोलते हैं, उसको उठाकर ये पानी को सारे को सारे पानी उधर फेंकेंगे। तो ऐसा ही सीन है। तो यहाँ पे फुल पावर अभी माछा मारने वाले हैं, तो क्या ही बोल सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे और देखकर मजा लेंगे भाई लोग। तो भाई लोग आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो शायद से आज का वीडियो इधर ही एंडिंग करना पड़ेगा। तो जिन जिन लोगों का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना भाई लोग। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना भाई लोग, क्योंकि हम ऐसे ही फनी और मज़ेदार मोटो ब्लॉग और मतलब कैजुअल ब्लॉग भी बनाते रहेंगे और आप लोगों को इंटर करते रहेंगे। तो फुल पावर भाई लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना भाई लोग। तो आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए हंसते रहे, हंसाते रहे और खुशियाँ बांटते, मतलब हंसते रहे, हंसाते रहे और सब लोगों को खुशियाँ बांटते रहे। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं भाई लोग, बाय।